नमस्कार, मैं PMDN सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के एक ऐसे जीनियस के बारे में जिसने गूगल को भी हिला डाला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आकाश जंग बासनेट की। उन्होंने गूगल के अंदर एक बग निकाला, उन्होंने एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा कि सुरक्षा में कमजोरी दिखी उन्हें, और उन्होंने जब गूगल को इन्फॉर्म किया तो गूगल ने भी उनको सम्मानित किया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना प्राइज नहीं बताया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो आकाश जंग है उनका इंटरेस्ट कैसे आया इस हैकिंग में, या फिर आकाश जंग कितने साल के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वो सारी बातें करेंगे। और उससे भी बढ़िया बात एक और है कि हम थोड़े ही दिनों में यहाँ पे आकाश जंग के साथ लाइव इंटरव्यू भी आपके सामने लाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो यहां पे आकाश जंग है वो 24 वर्षीय नेपाली युवा है, और यहां पे आकाश जंग बसनेट ने गूगल की सुरक्षा कमजोरी का पता लगाया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसके तहत थर्ड पार्टी साइट, जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी होती हैं या फिर अनुरोध करती हैं, जैसे आप देखते हैं कि कोई आप साइट खोलते हैं और उसमें कोई ऐड वगैरह एडवर्टीजमेंट आती हैं, और उस पर क्लिक करने के बाद पर आपका सारा डेटा वो चोरी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि यदि कोई आपका पासवर्ड भूल जाते हैं आप और उसे आप रीसेट करते हैं, तो पासवर्ड रीसेट करने पर एक ईमेल दिखाई देगा, और जब आपका पासवर्ड रिकवर लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे जो रेफर हैंडर होता है उस पर लीक हो जाता है ये डाटा। और यही यहाँ पे आकाश जंग का कहना है कि ये सबसे बड़ी कमजोरी में से एक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आकाश जंग की, पूरी बायोडाटा भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ है कई वर्षों से यहाँ पे एथिकल हैकिंग में शामिल हैं जो बसनेट हैं वो, और उन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा एप्पल, BCC, नोकिया और अन्य में भी होल ऐसे निकाले हैं, और उन्होंने बताया है कि इसमें कमजोरी है। यहाँ पे आकाश बसनेट हैं वो एक प्रकार से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ये होल्स मिलते हैं उसका फायदा उठाती है कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई हैकर। हैकर भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक आकाश बसनेट है और एक वो जो अपने यहाँ पे मकसद के लिए या फिर अपने लालच के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो एथिकल हैकर हैं ये ऐसा नहीं करते, ये यहाँ पे जो लोगों की मदद करना चाहते हैं या फिर कंपनी में ऐसी कोई सुरक्षा की कमी आती है जिससे कि लोगों को नुकसान हो सकता है, चाहे डेटा का हो, फिर कुछ भी हो, चाहे उनकी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे उनका बैंक अकाउंट हो, उनमें सभी में यहाँ पे हो सकता है कि उनको दिक्कत आए, तो इन सभी की सुरक्षा की दृष्टि के लिए वो यहाँ पे हैकिंग तो वो भी करते हैं, लेकिन वो आगे जाके बता देते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे आकाश बसनेट ने किया है। उनका कहना है कि मैंने PC के लिए एक प्यार की शुरुआत लगभग 2012 में बताई जा रही है, और SLC के बाद मैंने ऑनलाइन कंप्यूटर दमक झापा में काम करना शुरू किया, और वहां मैंने 2 साल तक लगभग असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर और स्टोर कीपर के रूप में काम किया है। इसके अलावा उनका कहना है कि उसके बाद मैं 2 और वर्षों के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क तकनीकी रूप से शामिल हुआ। वर्तमान में मैं ग्लोबल लिंक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के एक IT प्रबंधक के रूप में काम कर रहा हूं। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि उन्होंने अपना सारा डेटा दे सका है, मुझे साइबर सुरक्षा में दिलचस्पी है और मैं प्रमाणित एथिकल हैकर हूं, सुरक्षा शोधकर्ता भी जिसे कहा जाता है। मुझे विभिन्न कंपनियों संगठनों से बग मिले हैं, और जैसे कि ITEL हो गया, Lenovo हो गया, इसके अलावा ये बता रहे हैं कि डेल्टा या फिर जो कंट्रोल्स है, MakeAP है या फिर कातिपुर डिजिटल करप्ट है, इसके अलावा काफ़ी यहाँ पे एक बार नाम लिखा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, इन कंपनियों से भी स्वीकृति मिली है, और मुझे गूगल और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ माइक्रोसॉफ्ट, BBC, नोकिया नेटवर्क और अलीबाबा जैसी कंपनियों के में भी होल मिला है इन्हें, जो कि बहुत बड़ी बात है, और इन्हीं के साथ इनकी जो फेम है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे आकाश हैं उनका कहना है कि मेरा भी यही मकसद है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग अपने यहाँ पे हैकिंग करते हैं या फिर जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लोगों का डाटा चोर कर हम काफ़ी ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, और वो करते भी हैं, जिससे कि जो यहाँ पे गरीब लोग होते हैं या फिर जो अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं या फिर सही रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है उस समय।
वो अपना डाटा चोरी करवा बैठते हैं और उनकी जो मेहनत की कमाई होती है वो भी चली जाती है। और हो सकता है कि अपना पर्सनल डाटा खोने के बाद यहाँ पे ब्लैकमेल का भी सामना करना पड़ता है कई लोगों को, जैसे कि कोई पर्सनल पिक वगैरह होती है वो यहाँ पे अगर हैक हो जाती है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इन सभी को देखते हुए यहाँ पे इनमें दिलचस्पी लेते हैं ये और एक प्रकार से हैकिंग का काम ही करते हैं। लेकिन अगर हैकिंग को भी सही दृष्टि से देखा जाए तो अगर सही रास्ते पर ले जाया जाए तो वो हैकिंग भी कहीं ना कहीं काम की चीज़ बन जाती है। यहाँ पे आकाश का भी यही काम है, उन्होंने इस जो हैकिंग का सिस्टम है अपना जो जीनियस लेवल है उसको गलत रास्ते पर न ले जाके एक सही रास्ते पर जो यहाँ पे ले जाके अच्छा किया है और नेपाल का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं जिस प्रकार से उनकी यहाँ पे मीडिया में चर्चा हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी कुछ अपने देश के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि आगे बढ़े, तरक्की करें आकाश। और आपकी क्या राय है अपने कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।